किडनी की अगर हम फिजियोलॉजी की या फंक्शन की बात करते हैं तो ईच किडनी कंसिस्ट ऑन 1 मिलियन नेफ्रॉन। एक किडनी जो है, किडनी के जो सेल्स होते हैं, जिसे कोई भी टिश्यू या कोई भी बॉडी ऑर्गन सेल्स से मिलकर बनता है, तो किडनी जिन सेल्स से मिलकर बनती है उन सेल्स को हम कहते हैं नेफ्रॉन। तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होते हैं हर एक किडनी के अंदर। फिर नेफ्रॉन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, नेफ्रॉन का एक अपर पार्ट होता है जस्ट लाइक दिस शेप, जिसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। वहाँ पर आर्टरीज मौजूद होती हैं जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल। जब ये रेनल आर्टरी किडनी के अंदर इन होती है, इसके ज़रिए से ब्लड सप्लाई आती है, तो ये ब्लड फर्दर ये यहाँ पर आकर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। उस ब्रांचेस के ज़रिए से ब्लड जाता है किडनीज के जो सेल्स हैं, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल के अंदर। फिर वहाँ पर जाकर इसकी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आगे इसमें कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या है कि फिल्ट्रेशन का जो रेट है बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि एक किडनी तकरीबन 24 आवर के अंदर 180 लीटर यूरिन फॉर्म करती है। अब 180 लीटर यूरिन की फॉर्मेशन एक किडनी के अंदर होती है 24 आवर के अंदर, लेकिन जो हमारा सिक्रीशन होती है या एक्सक्रीशन होती है यूरिन की, वो तकरीबन 1 लीटर टू 1.5 लीटर या 1 टू 2 लीटर पर डे के हिसाब से होती है। यानी कि जो इसकी इतनी ज़्यादा सिक्रीशन, इतनी ज़्यादा यूरिन की फॉर्मेशन होती है, लेकिन वो तमाम का तमाम जो है, यानी कि लेस देन 1% यूरिन एक्सक्रीट होता है, बाकी की जो यूरिन फॉर्म होता है या जो फिल्ट्रेशन होती है, वो तमाम की तमाम रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के ज़रिए से किडनी के ही जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन के अंदर जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, उन ट्यूब्यूल्स के जरिए से तमाम की तमाम रीअब्जॉर्प्शन वापसी होती रहती है और वो तमाम का तमाम यूरिन रीअब्जॉर्ब हो जाता है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जिसे हम कहते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में ये होता है कि जैसे किडनी है, किडनी ने फिल्ट्रेशन की, फिल्ट्रेशन में तमाम तरह के जो आयंस है या एक्सक्रीट आउट होने वाले जो प्रोडक्ट हैं, वो तमाम के तमाम एक्सक्रीट हो गए, यूरिन की फॉर्मेशन हो गई। अब वो जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स से गुजरते हैं, तो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, तो तमाम के तमाम जो आयंस हैं वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ज़रिए से क्या है कि रीअब्जॉर्प्शन होती रहती है। अब सम टाइम ये होता है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मकदार बढ़ जाती है, या कुछ लोग डायबिटिक होते हैं तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा होती है, तो जो रिनल थ्रेशहोल्ड कहते हैं कि जो रिनल मैक्सिमम होता है, या रिनल मैक्सिमम या रिनल थ्रेशहोल्ड, जिसके ज़रिए से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, लेकिन अगर उसके तमाम साइड बिजी हो जाएँ और ग्लूकोज की मकदार इतनी ज़्यादा हो गई कि वो रिनल थ्रेशहोल्ड से भी ज़्यादा हो गया, तो उस सूरत में क्या है कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मकदार आ रही होती है। फिर बाद एक और चीज़ है सिक्रीशन। सिक्रीशन सम टाइम कुछ ड्रग्स या कुछ मेडिकेशन इस तरह से होती हैं कि जो नॉर्मली यूरिन के ज़रिए से एस्प्रिन है या पेंसिलिन है, वो नॉर्मल यूरिन जो फॉर्म हो रहा होता है उसके अंदर उसकी एक्सक्रीशन नहीं होती, तो फिर क्या है कि उस सिक्रीशन के प्रोसेस के ज़रिए से मजीद किडनी उसको सिक्रीट करता है। इसके अलावा एक और हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिच्योटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसे हम कहते हैं ADH। उस ADH के ज़रिए से भी क्या है कि जो इसे हम कहते हैं एंटी डायरेटिक्स हार्मोन, यानी कि जो डायरेशन का जो प्रोसेस होता है जिसमें यूरिन फॉर्म होता है, अब यूरिन 180 लीटर पर डे बन रहा है, लेकिन ADH जो पोस्टीरियर पिच्योटरी ग्लैंड से हार्मोन आता है किडनीज के ऊपर, सुप्रारिनल ग्लैंड के ऊपर, वो क्या करता है कि इस रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो 180 लीटर इतना ज़्यादा यूरिन बनता है वो तमाम के तमाम तकरीबन रीअब्जॉर्ब हो जाता है, लेस देन 1% यूरिन जस्ट एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से।